दहेज के लिए गांव मालपुरा की दो बहनों को पति और ससुराल पक्ष ने मारपीट कर घर से निकाला। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के गांव मालपुरा की दो बहनों को दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। मारपीट में घायल दोनों बहनों को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना के बाद रतनगढ़ पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए। अस्पताल में रतनगढ़ तहसील के गांव मालपुरा की 27 वर्षीय कविता ने बताया कि उसकी और उसकी 24 वर्षीय छोटी बहन भगवती की शादी 2015 में हनुमानगढ़ के थालड़ गांव निवासी सगे भाई पवन और सोहनलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही पति, सास और ननद सहित ससुराल के लोग लगातार दहेज के लिए कहा सुनी और मारपीट करते थे। जब पति और ससुराल पक्ष के लोगों ने भगवती और कविता के साथ मारपीट कर उन्हें घर से निकाल दिया, घायल हालत में उन्होंने किसी से मोबाइल मांगकर अपने परिजनों को सूचना दी, जिस पर परिवार के लोगों ने दोनों बहनों को चूरू के अस्पताल पहुंचाया। कविता के शरीर पर चोटों के निशान थे। दोनों बहनों का रतनगढ़ पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर बयान लिए। शादी था लड़के पवन कुमार सागे, भगवती में छोटी बहन की शादी सोन लाल सागे हुई 2015 में। क्या तक मानते हो मारपीट करे क्या खाता है क्या खाता सास सुन सारा मार मोर के घरों का मार के।